हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ चावल के आटे का फेस पैक। अगर आपके फेस पे एक्ने हैं, पिंपल है, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं और एंटी एजिंग की समस्या है, अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं, अगर आपके फेस पे कालापन है, अगर आपका फेस बहुत डल लगता है, आपके फेस पे निखार नहीं है, आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है, आपकी स्किन धूप से काली पड़ गई है, तो ये फेस पैक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चावल में फाइबर एंड प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चावल हमारे फेस की गंदगी को साफ़ करता है और उसे चमकदार बनाता है। चावल हमारी डेड स्किन को भी निकालता है और आपके फेस को भी खूबसूरत बनाता है। तो आज हम चावल के आटे का फेस पैक बनाएं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसे घर पर ही बना सकते हो। आप कोई सा भी चावल लेकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो और इसे बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरी में 2 चम्मच के करीब चावल का आटा लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद हम में कई सारे गुण होते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल के गुण होते हैं जो पिंपल एक्ने हमारे स्किन पर नहीं होने देती और स्किन को जवान बनाए रखती है और स्किन को मॉइस्चराइज करती है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है जो हमारे स्किन पर पिंपल, झाइयाँ, झुर्रियों और स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस नेचुरल एंटीसेप्टिक के तरह काम करती है जो हमारे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को से छुटकारा देती है। इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो ब्लीचिंग के तरह काम करती है और हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाती है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। आप चाहें तो आप इसमें दूध डाल सकती हैं, कच्चा दूध इसमें आप डाल सकती हैं। हम यहाँ पर इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी लिया है। आप इसमें 2 चम्मच दूध डाल सकती हैं या तो आप गुलाब जल भी डाल सकती हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से पूरे फेस एंड नेक पर लगा लेंगे। यहाँ मैंने घर का लिया है, चावल का आटा लिया है, इसीलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मार्केट का चावल का आटा लोगे तो इस तरीके से नहीं होगा और वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर आप घर का लेते हैं तो आप इसे संभल कर अच्छे से अब पूरे फेस पे अप्लाई करें और इसे 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो आप इसे हल्के हाथों से स्क्रब दो से तीन मिनट तक स्क्रब करते हुए आप इसे हटा लें। उसके बाद आप अपने स्किन पर फर्क देख पाएंगे। इसे आप हफ्ते में 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्क्रब हमें 2 या 3 दिन ही करना चाहिए हफ्ते में। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरियन जो लेडीज़ होती है, जो गर्ल होती है, वो अपने स्किन केयर में चावल से बने प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है, चाहे वो चावल के फेस पैक हो, चावल के फेस वाश हो, सिरम हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है उस चीज़ का। और आप जानते ही हो कि वो कितनी सुंदर लगती है। तो गाइस, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट 1 दिन में तो नहीं आता, उसके लिए हमें इसे लगातार करना पड़ता है। तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दिन लगातार यूज़ करो, 1 महीने के बाद आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। घरेलू नुस्खे क्या होते हैं कि हम यूज़ करते हैं, 1-2 दिन लगाते हैं, फिर हम इसे छोड़ देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा कि क्रीम वगैरह हम जब लगाते हैं तो वो हम डेली लगाते हैं गाइस, तो इसे भी हमें इसी तरीके से फॉलो करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे फेस एंड नेक पे लगा लिया। अब मैं इसे सूखने दूँगी। अब ये सूख चुका है और अब मैं इसे धुल लेती हूँ।
आप देख सकते हो हमारे स्किन पर कितना प्यारा सा ग्लो आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।